नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ गणित आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। मेरी वीडियो को पूरी देखें, गणित आपको बहुत ही रोचक और बहुत ही समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। गणित पढ़ने में आपको मजा आएगा। गतिविधियों के माध्यम से गणित करें, गणित बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और कोई बोर नहीं है। चलिए आज हम गणित की एक नई अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में आप जोड़ने के बारे में जान चुके हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम घटाना यानी कम करना इस वीडियो को समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये घटाना क्या होता है, देखो ये कम करने का निशान है, ये हमारा क्या है, घटाना। इसको इंग्लिश में सबट्रैक्ट कहते हैं। घटाना का अर्थ होता है कम करना। कैसे करेंगे कम, देखो बच्चों मेरे पास ये बिस्किट है कुछ प्लेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बिस्किट है, 9 बिस्किट। इसमें से एक बिस्किट में खा लेता हूँ, आप भी खाएं, तो भी खाएं, खा लिया ना। अब देखो कितने बच गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 बिस्किट थे, एक खा लिया, कितने बच गए आपके पास, 8 बच गए। इस प्रकार जब हम वस्तुओं को खा लेते हैं या किसी को दे देते हैं, अब मैंने मेरे पास 8 बिस्किट बच गए, 2 मैंने पार्सल दे दिए ना, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 बच गए। इस प्रकार से हम करेंगे, 8 बिस्किट थे, 2 दे दिए पार्थ को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पार्थ दे दिए, एक ये दे दिए, एक ये दे दिए, 1 2 3 4 5 6 बच गए, 6 बच गए। इस क्रिया को हम घटाना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम घटाना, और ये इसका निशान है। चलो इसको इसके माध्यम समझते हैं, ये कितने मेरे पास 7, मेरे 3 घटाते हैं, चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 निशान लगाए हुए हैं, 3 कम कर दिए, 1 2 और 3 कम कर दिए ना, 3 खत्म कर दिए, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 बच गए। इसलिए ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कितने हैं, 9 में से 4 घटाना है, ये मैंने 9 लगाए हुए निशान, 1 2 3 4 6 7 8 9, 9 में 4 कम करने हैं आपने, 1 2 3 और 4 कम कर दिए, कितने बच गए थे गिनो उनको, 1 2 3 4 5 बच गए। इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खड़ी लाइन लगाएंगे और जितनी कम करनी है उसको काट देंगे, कितनी कम करनी है, 4, 1 2 3 4 करनी, तो कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार की हम कम करने को घटाना कहते हैं, और ये घटाने का निशान है गणित में। जैसे जोड़ने का निशान ये है, घटाने का निशान, गुणा का निशान और भाग का चिन्ह, चिन्हों के माध्यम से आपने गणित को करना है। अब ये क्वेश्चन और देखिए, 12 में से 5 कम करना है बच्चों, कितना लिखा है ऊपर, 12। इसमें देखिए ये हमारे पास यहाँ 2 है, 12 कितना था पहले आप ये देखें, ये देखो 1 10 और ये 2, 2 कैसे बढ़ेंगे, ये 1 और ये 1 2, 12 है ना, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे 2 में से 5 घटा सकते हैं, 2 खुले हैं ना। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास खुली वस्तुएं होती हैं, देखो ये इस प्रकार से बहुत सारी खुली वस्तुएं हैं, और जब हमारे पास 10 वस्तुएं होती हैं तो 10 को हम बांधकर इस प्रकार से एक पैकेट या बंडल बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 का हमने ये बंडल बनाया हुआ है और 2 वस्तुएं खुली हैं, और घटाना कितना है, 5, तो कैसे घटाएंगे, इस बंडल को खोल लेंगे, क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, खोलने पर ये देखो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वस्तुएं आ गई ना, 2 वस्तुएं और खुली थी, अब कितनी होगी वस्तुएं, 12, इनमें से कितने कम करने हैं अब हमें, यहाँ पे 12 हो गए, बंडल कितने, बंडल तो खोल दिया हमने, बंडल बचा ही नहीं, बंडल कितने बच गए, 0 बच गए। इस प्रकार से हम खुली वस्तुएं ऊपर लिख लेंगे। अब 12 में से 5 कम करना है, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, कर दिएगा कम, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच गए हमारे, और यहाँ बंडल कितने बच गए, 0 बच गए। इस प्रकार से आप घटा के सवाल कर सकते। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं जिनमें घटाना की क्रिया हम करेंगे। जैसे देखिए 32, आप जानते हैं 32 कितना होता है, 10 10 के 3 पैकेट और 2 खुली वस्तुएं, ये ऊपर लगाई हुई है मैंने, 10 10 के 3 बंडल, 2 खुली वस्तुएं,
इसमें 18 कम करना है, एक बंडल और 8 खुली वस्तुएं, यानी कि दो खुली वस्तुओं में से 8 खुली वस्तुएं घटा सकते हैं क्या, कम कर सकते हैं क्या? नहीं कम कर, दो में से 8 हम कम नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, इस बंडल को खोल लेंगे, एक बंडल को कम करते, एक बंडल को हटा देंगे यहाँ से। जब बंडल को खोलेंगे तो इसमें कितने हैं, 10 का बनते हैं ना एक, तो इस प्रकार से हमारे पास 10 छोटे छोटे ही आएंगे और दो ये और हैं। अब कितने हो गए हमारे पास, 10 ये और दो ये, तो खुले कितने हो गए हमारे पास, 12, और बंडल कितने बच गए, बंडल बच गए 2। इस प्रकार से हम ऊपर लिखेंगे इनको। ये ध्यान रखना है आपने, जब हमारे पास खुली वस्तुएं कम हैं तो उसमें से हम ज़्यादा वस्तुएं नहीं घटा सकते, ज़्यादा वस्तुएं कम नहीं कर सकते। जब बिस्किट ही दो हैं तो 4 बिस्किट कैसे, 8 बिस्किट कैसे कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे, हमें 3 पैकेट भी हैं हमारे पास, ये ध्यान रखना है। कितने पैकेट थे हमारे पास, बिस्किट हैं 3 पैकेट थे, तो हमने क्या किया, एक बिस्कुट का पैकेट खोल लिया, खोलने के बाद ये 10 खुले बिस्किट हमारे पास आ गए और 2 खुले बिस्किट और हैं, तो कितने बिस्किट हो गए खुले हमारे पास, 12। अब 8 हमने खाने हैं, आसानी से खा सकते हैं, कर दीजिए कम, पहले 2 खुले कम कर दीजिए, 1, 2, और अब ये 1, 3 यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 8 कम कर दिए, कितने बच गए आपके पास, 1, 2, 3, 4, ये 4 बच गए आपके पास। अब बंडल कितने थे, बंडल 3 थे पहले, एक तो खोल दिया हमने, खोलने पर ही आ गए थे यहाँ पर, अब 2 बच गए थे, 2 में से एक बंडल कम करना है, 2 यानी कि 10-10 के जो पैकेट थे हमारे पास बिस्किट हो गए, वो 2 थे, अब 1 कम करना है, तो कितना बच गया, 1 बच गया। इस प्रकार से घटा की क्रिया आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिंपल सा घटा है आपका, यहाँ 4 वस्तुएं 3 कम करनी है, ये तो कितनी वस्तुएं, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें 3 आप कम कर ही सकते हैं ना, 1, 2 और ये 3 कम कर दी, कितनी बच गई, 1 बच गई, और ये 3 वस्तुएं 1 कम करनी है, ये देखो 3 वस्तुएं 1, 2, 3, 1 कम करनी, 2 बच गई। ये तो आसान है इस तरीके से, परंतु जहाँ पर खुली वस्तुएं कम होती हैं और ज़्यादा वस्तुएं बांटनी पड़ती है, ज़्यादा वस्तुएं हमें देनी होती है किसी को, तो वहाँ हमें समस्या आती है, तो वहाँ पर हमने पैकेट या बिस्कुटों के पैकेट या बंडल को खोल लिए हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं, चौबीस में से 9 घटाते हैं कैसे, 24 कितना होता है, 24 में क्या है हमारा, 2 तो ये और 4, 1, 2, 3, 4, 4 और है, और कम कितने करने, 9। अब बताओ 9 कैसे, खुली वस्तु तो हमारे पास केवल 4 ही है, अब कैसे कम करें 9, तो हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, इस एक को जब खोल लेंगे तो कितने छोटे आएंगे हमारे पास, 10 छोटे आएंगे, कितने आएंगे बच्चों, 10 छोटे आएंगे, 4 पहले ही हैं। अब खुली वस्तु कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 और 4, 14, और पैकेट कितने बच गए बिस्कुटों के, 1 पैकेट बच गए, तो अब आसानी से कर सकते हैं हम। अभी कितने आगे हमारे पास, 14 आगे ना, 14 डंडे लगा सकते हैं हम, 10 और लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 14 हो गए ना, अब 4 इसमें कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5 बच गए, और पैकेट कितने, अब एक ही पैकेट बच गया, तो एक यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आप घटाने की क्रिया को बड़े ही ध्यान से करें, हम कुछ और गतिविधियों के माध्यम से आपको घटाना सिखाएंगे, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। एक अन्य क्वेश्चन और देखते हैं, ये हमारे पास कितना है, 72, 72 कितना होता है बच्चों, 10-10 के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 70 आ गया ना, और 2 खुली वस्तुएं, ये 2 खुली वस्तुएं, ये 72 है, 37 कम करना है इसमें से। अब 37 कैसे कम करें, पहले खुली वस्तुएं, खुली वस्तु घटाएंगे, 2 वस्तुएं खुली है, 7 वस्तुएं खुली कम करनी है हमने, कैसे करें, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो एक पैकेट को खोल लेंगे, इस 10 के एक पैकेट को खोल लेंगे, जब हम 7 पैकेट में से एक पैकेट को खोल लेंगे तो हमारे पास कितने पैकेट बचेंगे, 6, पहले लिख देना अपने ऊपर, और अब इसको खोलने के बाद गिनते हैं वस्तुएं, 1, 2, 3, 4 और 3, 7 और 3, 10, 10 आ गई ना, और 2 पहले खुली पड़ी थी, तो कितनी होगी बच्चों, ये 12 होगी, क्योंकि एक पैकेट में 10 होती हैं, आपने ध्यान रखना है इस बात का, जब ये इधर आएगा तो ये 12 होगी, और पैकेट कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अब 12 में से हम 7 तो कम कर ही सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कम कर दी, कितनी बच गई आपके पास, गिनो इनको, 5, तो ये 5 बच गया। पैकेट कितने थे, 6 थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 कम कर दिए, देखो 1, 2 और 3 कम कर दिए, कितने बच गए, ये देखो हमारे पास 3 बच गए। तो इस प्रकार से हम घटाने की क्रिया को बड़े ही सरल तरीके से और रोचक तरीके से कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए आप, इसमें 47 है, कितने बच्चे, 47, 47 क्या होता है,
चार बंडल, एक दो तीन चार, और सात खुली वस्तुएं, सात खुली स्टिक्स, ये देखो चार पाँच छः और ये सात, ये है ना हमारे पास। इसमें से हमने 32 कम करना है। पहले खुली वस्तुएं सात हैं, दो कम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको खोलना नहीं पड़ा बंडल, तो आपने यहाँ पर बंडल नहीं खोलना। सात में दो वस्तुएं कम कर दी, कितनी बच गई आपके, पाँच सीधा ही बच गया, ये हो गया। और ये चार थे, चार में तीन कम करने, यानी कि एक दो और ये तीन कम कर दिए, तो कितना बच गया, एक बच गया। तो इस प्रकार 47 में 32 गया, 15 ये सीधा ही आ गया। और जबकि ये आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर खुली वस्तुएं कम होती हैं, अधिक वस्तुएं हम घटा नहीं सकते, एक बंडल को खोल कर करेंगे।